कि अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी सुबह की बज रही है 8 और अभी हम मौजूद हैं यहाँ गांव की मंदिरों में और अभी यहाँ आया है पूजा करने के व्यू से। तो अभी आपको लेके चलते हैं जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं बर्मा गांव में, यहाँ की ये मंदिर है और इसकी स्थापना सन 35 यानी 2017 को की गई थी। जहाँ पे आप देख सकते हैं महादेव मंदिर है, श्री श्री 108 वर्मेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जो कि स्थानीय ग्राम बर्मा पोस्ट चरौस सीतामढ़ी के अंतर्गत आता है और समस्त ग्रामवासी के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तो आइए चलते हैं अभी आपको लेकर के। भवम भवानी सहितम नमामि मंदिर परिसर से कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये है मंदिर, मंदिर की लेंथ भी मतलब काफ़ी ही अच्छी लेंथ भी है और मंदिर परिसर काफ़ी ही हरियाली नज़र आ रही है। मंदिर परिसर घूमने की बहुत ही अच्छी जगह है और देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम मौजूद हैं मंदिर परिसर में, देख सकते हैं और यहाँ पे बगल में जो यहाँ के जो मेन पुजारी है उनका पर्सनल एक अलग से रूम भी है, सारी व्यवस्था। और यहाँ पे धर्मशाला बनाया गया है जाने के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई और काफ़ी ही सुसज्जित ढंग से और काफ़ी ही नेट एंड क्लीन देखी जा रही है। साफ़ सुथरा और साफ़ सफाई पे काफ़ी बेहद ध्यान भी दिया जाता है और आमतौर पर और शुद्ध हवा के लिए सारी पूरी फूलों की जो बगान बोल सकते हैं वो भी लगाया गया है यहाँ पे मंदिर परिसरों में। और इस तरह से ये है मंदिर की पूरी परिसर, देखना हरा भरा मंदिर परिसर पूरी ग्रीन है। काफ़ी ही मस्त नज़ारा, जितना बोलूँ शायद उससे भी कम पड़ सकता है। और जस्ट इसके पीछे में बैकग्राउंड में एक बहुत ही बड़ी तालाब भी है, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी मस्त तालाब है, बड़ी भी है। तो अभी चलते हैं उन तालाब के समीप और दिखाएंगे जो मंदिर की बगल की जो तालाब है उसकी दृश्य। Shambhu, 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 Shambhu,
बहुत ही बड़ी है मंदिर की ये परिसर, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सुसज्जित ढंग से, यानी कि सही तरीक़ों से यहाँ पे सारा कुछ किया गया है, और लोग बैठने के लिए भी सारी व्यवस्था है, और यहाँ पे घूम भी सकते हैं लोग। इस तरह से कुछ सारा कुछ यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं काफ़ी ही बेहद खूबसूरती के साथ इसका निर्माण करवाया गया है, देख सकते हैं काफ़ी ही मस्त नज़ारा। Papa,